आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मुंबई में आयोजित इंडिया केम 2024 के 13वां द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में सहभागिता की। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश बीना स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल परियोजना सहित देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा प्रदेश में किए जा रहे उत्पादन और गेल इंडिया की बृहद परियोजना सहित इस क्षेत्र में मजबूत की जा रही अधोसंरचना के संबंध में अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन भाई पटेल जी एवं ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के साथ मध्य प्रदेश भी तीव्र गति से विकास कर रहा है। रसायन और पेट्रो रसायन सेक्टर को बढ़ावा देते हुए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अब मध्य प्रदेश गुजरात और ओडिशा के साथ भी कदम से कदम मिलाकर नए रिकॉर्ड बनाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश सभी प्रकार की संभावनाओं का द्वार है। प्रदेश के सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में कॉन्क्लेव हो चुका है। इसी माह अब रीवा में कॉन्क्लेव होगा। हम सभी निवेशकों को आमंत्रित करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में, विशेष रूप से फार्मा क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षक पॉलिसी बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 के समापन सत्र में सहभागिता की। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव के माध्यम से खनन क्षेत्र में लगभग 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए। कार्यक्रम में माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म पुस्तिका का विमोचन किया गया। MOIL भारत सरकार के उपक्रम और मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के बीच ब्लॉकों के व्यावसायिक दोहन के लिए संयुक्त उद्यम समझौता भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पारदर्शिता और शुचिता के साथ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों में हमारा मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में आगे है। हमारे प्रदेश की खदानों से निकले पत्थर की गुणवत्ता उच्च कोटि की है। केंद्र सरकार की ओर से भी माइनिंग नीलामी को लेकर प्रदेश को नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 के समापन सत्र में सहभागिता कर यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने आज भोपाल के समुदाय आदर्श ITI विद्यालय का भ्रमण किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यहां बच्चों का उत्साह और अध्ययन में उनकी रुचि प्रेरित करने वाली है। विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के लगन से यहां कौशल विकास के नए आयाम स्थापित हों, यही शुभकामनाएं हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री अंदल सिंह कंसाना ने आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को आवश्यकता मात्र में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी सीजन में भी किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उर्वरक की व्यवस्था की जा रही है। श्री कंसाना ने श्यामला हिल्स स्थित अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और हर संभव मदद के लिए तत्पर है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज निवास पर जनदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।